बस मिस हो गई सर। बस मिस हो गई, ट्रैफिक जाम था, मुझे ये नहीं सुनना है। टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टाइम ये बहाना नहीं चलेगा। ओके सर। वेल डन, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। आपका क्रिएटिव हेड तो जीनियस है। थैंक यू सर। तो अब ये एड तुम जॉन अब्राहम के साथ शूट करना चाहोगे, राइट? मैं भी यही बात कह रहा था सर। गौतम कहता है स्टार की जरूरत नहीं है। क्यों गौतम, क्या तुम स्टार बनना चाहते हो? ऑफकोर्स यू आर वेरी हैंडसम, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, और वैसे भी इस एड के लिए स्टार की जरूरत नहीं है। नो, फिल्म स्टार से एड का क्रेज बढ़ जाता है और सेल्स बढ़ जाती है। जॉन अब्राहम के कहने से कोई बाइक नहीं लेगा। अगर कहे 1,000 रुपया दीजिए और बाइक लीजिए तो बाहर भीड़ लग जाएगी। बट फिल्म स्टार्स की वजह से सेल क्यों नहीं बढ़ेगी? आई एम नॉट गेटिंग योर लॉजिक। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर वो बेंज की एड करके खरीदने को कहेगा तो मैं खरीद थोड़ी लूंगा, क्योंकि बेंज कार खरीदने जितनी मेरी औकात है ही नहीं। लेकिन 10,000 रुपया भर के बाकी इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कहे तो मैं जरूर खरीदूंगा। या यू क्रिएटिव पीपल आर राइट, आई एम सेटिस्फाइड। Anyway, well done. Go ahead with the campaign. Thank you, sir. The balance payment. All the best. मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मानेगा। तुमने तो कमाल कर दिया। Necessity is the mother of invention. मैं इंग्लिश में थोड़ा पुअर हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं ऐड करूंगा तो मुझे 2,00,000 मिलेंगे। आप तो जानते हैं ना, इस महीने की 10 तारीख को मुझे किसी को 5,00,000 रुपए देने हैं। अगर मेरे हिसाब के पैसे मुझे मिल जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। मयूरी एजेंसी का ऐड भी जल्दी करना है, वो ऐड भी कर दो, सारा पैसा एक साथ दे दूंगा। भगवान दास को फोन करता हूँ तो फोन ही नहीं उठाता, पता नहीं डिजाइन तैयार हुए या नहीं। फोन करता हूँ। भगवान दास जी। सर ये सेल नहीं, रिमोट है। ये लीजिए सेल। मुझे मेरा चश्मा दे दो, मैं खुद जान जाऊंगा ये रिमोट है या सेल है। ये देखो मयूरी के एमडी का फोन आ गया। हेलो सर। हाँ भगवान दास जी। कल तक तैयार हो जाएगा सर? यही बात तुम हफ्ते भर से बोल रहे हो, औरत की बिंदी की एडवर्टाइजमेंट का डिजाइन बनाने के लिए इतने दिन ले रहे हो। सर आप तो जानते हैं, औरत खूबसूरत दिखने के लिए आईने के सामने कितनी मेहनत करती है, उनको तकलीफ ना उठानी पड़े इसलिए खूबसूरत डिजाइन के लिए हम तकलीफ उठा रहे हैं। मैं कल आ रहा हूँ, आकर देखता हूँ आप कितनी तकलीफ में। ओके सर। कल है संडे, ऑफिस बंद रहेगा, ये बात वो भूल गया। तुम फटाफट डिजाइन तैयार करो। सर एड के लिए काजल को साइन करें या रानी को? उनको पैसा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बजट देखो, बजट। हीरोइन भी नहीं चाहिए और टॉपलेस मॉडल भी नहीं। सर हीरोइन के बिना ये एड नहीं चलेगा। तो शहर में सभी न्यू मॉडल खत्म हो गई क्या? उनको चांस दो, हमारा पैसा भी बच जाएगा। इतनी जल्दी खूबसूरत लड़की कहाँ से ढूंढूं सर? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तुम तो जानते हो पर ये गधा नहीं जानता। परेशान कर दिया यार इसने। दर्शन तुम मॉडल कोऑर्डिनेटर्स को फोन करके शहर की फ्रेश मॉडल्स को बुलवाओ। यहाँ पे फ्रेश मॉडल कहाँ है भाई, मुंबई से मंगवाते हैं ना। बजट बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। एक गौतम, सारा नाम की एक नई मॉडल आई है, उसको जो भी पैसे देंगे ले लेगी। ओके भेज दो। ओके रेडी? रेडी सर। चिन डाउन, स्माइल, नाउ गिव मी योर राइट प्रोफाइल। ओके लेफ्ट प्रोफाइल। मैडम आपका फोन। एक्सक्यूज मी सर। हेलो मैं फोटोशूट पे हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके सॉरी सर। इट्स ओके। स्टडी, चिन डाउन स्लाइटली।
का फोन है। मत करो। हेलो सर। गौतम कहाँ है? गौतम फोटो शूट कर रहा है सर। लुक टू द लेफ्ट नाउ। हाँ सर, पहुंच जाएंगे सर, 4 बजे पहुंच जाएंगे। ओके सर, ओके। सॉरी सर, सॉरी। कीप योर हेयर बैक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ लता, बता क्या हुआ? ए पॉल, मैं 5 बजे क्या कर रहा है तू? तू मुझे उधर सेलफोन जैमर लगा। कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके सर। या गो बैक। सर जैमर वहां रख दो। ओके सर। फोरहेड भी इनकमिंग ही नहीं, आउटगोइंग भी कम नहीं करेगा। सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, आपके एमडी हैं? हाँ सर, वो अंदर अपने कैबिन में हैं। मेरा चश्मा देखकर डर गई। मे आई कम इन? टॉयलेट में कोई परमिशन मांगता है क्या? आके कर ले। अरे बाप रे, शुक्र है लेडीज टॉयलेट में नहीं घुसा। मे आई कम इन? हाँ आई है आशीष जी, आई है। नमस्ते भगवान दास जी। अरे उधर कैसे आता आ रहा है? ये चश्मे के बिना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मेरी पास की नजर कमजोर है। अच्छा छोड़ो, डिजाइन तैयार है सर? हाँ, देखिए। ये बेबी कौन है? चश्मा पहन के देखिए। बाप रे, ये तो बहुत महंगी मॉडल है। कौन है ये लड़की? लक्ष्मी बाई। उसका झांसी भेजो। इसमें कोई दूसरी है? हाँ सर। इस लड़की का नाम मधुमति। अच्छी लग रही है ना सर? तुझे लड़की अच्छी लगी तो इस ऐड का पैसा तू अपनी जेब से भर दे, ठीक है? इसमें एक भी मॉडल अच्छी नहीं है, सब की सब बकवास है। सर 3 दिन का टाइम दीजिए, खूबसूरत मॉडल लेकर आऊंगा। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट मैं दूसरे को दे दूंगा। सर लड़की सुंदर ही नहीं, थोड़ी कोऑपरेटिव भी होनी चाहिए। नहीं समझा क्या? मैं समझ गया सर, सब देख लूंगा। देखना तुझे नहीं मुझे, डिजाइन तैयार हो जाए तो मुझे बुलाना, आकर देखता हूँ। समझ गए ना? समझ गया सर। सर आप अपनी आंखें भूल गए सर। थैंक्स। क्या करे गौतम, अब इस शहर में और खूबसूरत लड़कियां कहां से ढूंढे हैं? इस शहर में लड़कियां नहीं है। लड़कियां तो बहुत है लेकिन खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही है। खूबसूरत लड़कियां आसानी से नहीं मिलती, उन्हें ढूंढ के निकालना पड़ता है। हमारे एड के लिए लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, खूबसूरत होने के साथ साथ कोऑपरेटिव भी होनी चाहिए। खूबसूरत भी हो, कोऑपरेटिव भी हो, हमारा ये लास्ट चांस है। इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, इस लड़की की नाक अच्छी है लेकिन मुंह नहीं, इस लड़की के होठ अच्छे हैं। इस लड़की के आईब्रोज अच्छे हैं, इसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है।
खूबसूरत है ये, काम लिए मैंने बनाई है सर, इस कंप्यूटर से क्रिएट की है। गौतम तुम मेरे लिए ब्रह्मा से भी बड़े हो, उनके चार सिर है तब जाके वो खूबसूरत लड़की बनाते हैं, तुम्हारे एक सर है और तुमने इतनी खूबसूरत लड़की बना दी। वैसे ये आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? थिंक डिफरेंटली, नया सोचना चाहिए, सोचो जरा हटके। अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर है, इसका नाम क्या है? अभी तक सोचा नहीं। क्या रखड़ी? इसका नाम कामाक्षी है, बिपाशा बसु की कजन है, अभी अभी मॉडलिंग के फील्ड में आई है। सही बोला, एकदम सुंदर है। आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये लड़की ही नहीं है। पागल है क्या? अरे लड़की है पर वो आ नहीं सकती। वो क्या है ना, वो कुछ ज्यादा डिमांड कर रही है। कितना? जितना देने वाले थे उसमें 5 लाख ज्यादा। 5 ज्यादा चाहिए? लगता है वो इतने में नहीं मानेगी। ऐसी बात है? मेरा बजट है 15 लाख, 5 और दूंगा तो 20 हो जाएगा। मुझे मंजूर है, यही लड़की चाहिए। तुम लोग लड़की चेंज कर दिए तो फोटो खींचना पड़ेगा मुझे इसका। थैंक्स सर। ये लड़की बहुत बिजी है, आप एडवांस दे दीजिए। देता हूँ। अच्छा तुमको 5 लाख दिए तो चलेगा? हाँ चलेगा सर। ये लीजिए पेन सर। फंस जाओगे। तुम हटो यार, वो लड़की नहीं है ना, वो फ्री तो है ना? फ्री है मतलब? मतलब उस दिन समझाया था ना तेरे को। क्या समझाया था? ये तो पूरा घसीया रहा है अब, इसको फिर से समझाना पड़ेगा। अरे वो कोऑपरेट करेगी कि नहीं? करेगी नहीं सर, ऑफिस में तू ही समझदार है। बर्थडे पर डायमंड रिंग, वैलेंटाइन डे पर गोल्ड की ज्वेलरी देंगे ना तो अपने आप मान जाएगी। ऐसा हाँ? मैं तुझे एक बात बताता हूँ, हाँ? मैंने एक मॉडल को उसके फिक्स प्राइस से ज्यादा पैसा दिया था, हाँ? क्योंकि वो अकेले में मुझसे मिलने आई थी। सच में? तुम कामाक्षी की सेटिंग मुझसे करवा दो, मैं तुम्हें अलग से पैसा दे दूंगा। वंडरफुल सर, एक बहुत अच्छा आइडिया। बोलो। आप ये चेक दे रहे हैं ना, ये अगर उस लड़की के हाथ से इनको दिलवाएंगे ना तो इससे इम्प्रेस होकर आपसे पड़ जाएगी। ये मॉडल मुंबई में रहती है। तो बुलाओ उसे, मैं उस लड़की के सामने उसको चेक दूंगा, वो मेरा पैसा देखकर मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। मैं चलता हूँ, बाय, जल्दी बुला के रखना। वो तुम कमाल के हो। सर देखा कैसे मैनेज किया मैंने? कैसा मैनेज किया तुमने बताता हूँ। साला चेक मेरे हाथ में आते आते रह गया तेरी वजह से, और तू बीच में आके कैसा आईडिया तू मेरा। वो ऐड यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उस अंधे को तो अब मैं सबक सिखाता हूँ। जिस मॉडल के साथ वो काम करने वाला है उसे इज्जत देने के बजाय उसकी लूटने में लगा। मैं समझाता हूँ, ये अंधा कल आने वाला है ना, आने दो उसे। पर कामाक्षी कहाँ से आएगी? अरे आ जाएगी बॉस। मतलब गौतम कोई नया मैजिक करने वाला है।
हेलो, कितना टाइम लगाएगी, कब तक पहुँचेगी? हाँ, हो गया बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। जल्दी आ जा। लेआउट हो गया। मम्मी, मम्मा, मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने बाहर जा रही हूँ। हमेशा फ्रेंड्स के साथ घूमती रहेगी या एंगेजमेंट की शॉपिंग भी करेगी? अरे जाने दो ना, शॉपिंग बाद में कर लेगी। आप ही की वजह से ये बिगड़ गई है। छोड़ो ना, कल जाते हैं। तुझे जो करना है कर, मुझसे मत। जाओ बेटी। बाय। मम्मी, डैडी सब चीज दीदी को ही दिलाते हैं, मुझे तो कुछ देते ही नहीं है। ए, शादी तेरी थोड़ी हो रही है, उसकी हो रही है। बोल। ओ यस। हेलो। हाय। ए, सॉरी सॉरी, लेट हो गई। तू शादी होने से पहले अपने फ्रेंड्स को भूल गई? मेरी एंगेजमेंट 5वीं बार हो रही है, कोई मुझे पसंद तो करे। कोई तुझे पसंद क्यों नहीं करता? किसी को मेरा नाक नक्शा ठीक नहीं लगता तो किसी को मेरे पेरेंट्स से प्रॉब्लम है। इस बार तेरी शादी फिक्स करने के लिए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, इसलिए तुझे हमें ट्रीट देनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्या करना होगा? बिल तुझे भरना होगा। ओके। वेटर। यस मैम। गौतम, पीछे वो अरविंद आशीष हमसे मिलने आया कि नहीं? आ गया होगा। और वो कामाक्षी नहीं आई? वो भी आ गई। आ गई, पर कहाँ से? अंदर बैठी है, वो दोनों अकेले में बातें कर रहे हैं। अकेले में बातें कर रहे हैं? देखो तो। तुम्हें क्या क्या पसंद है? म्यूजिक एंड डांस। मेरी और तुम्हारी पसंद एक ही है। अपने सेल नंबर दो ना। अरे ये तो बाला है, तुमने इसे कैसे राजी किया? कामाक्षी कहाँ है? आ जाएगी ना, आप आइए। सारा स्टाफ किधर है? आज संडे है ना। ये कामाक्षी के ख्यालों में दिन और तारीख सब कुछ भूल गया। अरे बाप रे, अरे मेरी आंखें कहाँ गई? सर, वो कामाक्षी आ गई है। उठिए। हाँ हाँ, बैठता हूँ बैठता हूँ। I'm okay. Hi आशीष जी। Hi. इतना लेट हो गई? मुंबई में बिकनी के एड के लिए गई थी, इसलिए लेट हो गई। बिकनी एड? मैं भी आपको बिकनी में देखना चाहता हूँ। बिकनी में देखा तो लग जाएगी। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर, मुझे प्राइवेट बात करनी है, तुम निकलो। ओके सर, कैरी ऑन। कामाक्षी, तुम्हारी क्रिएटिविटी मामूली नहीं है। ये बताओ गौतम, तुमने इस छोटे से रूम में मीटिंग क्यों रखी? उसकी नजदीकी नजर कमजोर है ना। अब उसके सामने गे हो या दीपिका पादुकोण, दोनों बराबर है। चलो कबाब में हड्डी बनते हैं। इतने दिनों में तुम मुझे नजर क्यों नहीं आई? मुंबई में थी। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। हाँ किया, काम की बात बोलो। आपने कामाक्षी से चेक दिलवाने का वादा किया? हाँ हाँ किया था। देता हूँ 5 लाख, देना है ना? आप अच्छे मूड में हैं, 3 लाख और दे दीजिए ना। देता हूँ। मैं भर दूँ? हाँ भर दो, तुम ही भर दो। साइन कर दीजिए। साइन कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ। So sweet. ये तुम अपने हाथों से दे दो। आज इसे कैसे भी पटा ही लूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने अपने हाथों से चेक दिया ना। फोटो से ज्यादा तो ये सामने से खूबसूरत लग रही है, ये कर क्या रही है? इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी सामने की नजर कमजोर है। ये क्या है, तुमने इतने छोटे रूम में मीटिंग रखी? सर वो उस रूम का एसी काम नहीं कर रहा है। ओह नो, एसी के बिना मैं कैसे रहूं? ओह नॉटी। बाय द वे, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। मैं आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दूंगा। नीचे मेरी मम्मी वेट कर रही है, नेक्स्ट टाइम मिलने के बाद लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। बाय। ये लड़की आपके एड के लिए परफेक्ट है ना? मैं जानता हूँ, तुम लोग काम फटाफट चालू कर दो। हाँ। शहर में पब्लिसिटी धमाल की होनी चाहिए। चलता हूँ। कहाँ से? यहाँ से सर। अरे वाह, इसकी कमजोरी ही हमारी कमाई बन गई। चल। अरे वाह, तेरे आईडी ने तो इसकी जिंदगी बदल दी। कमेंट्स बाद में सर, मेरा कमिटमेंट पूरा करो। हाँ हाँ करूंगा ना, ये सब तेरी वजह से ही तो हुआ है। उसको बेवकूफ बनाया, बाला को लड़की बनाया, इसे ऐसे ही रहने तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलता हूँ मैं। आप भी क्या बात कर रहे सर, वो चले गए लेकिन तेरे लिए वापस आएगा। क्यों डर रही है? ये लो 5 लाख रुपए। थैंक यू सर। ओके सर, अब मेरे पैसे? जितना पैसा था सब गौतम को दे दिया, अब दूसरा एड आने दो तब दूंगा। बाप रे, तेरी नजर में नशा है, कुछ देर और रहा तो मुझे फंसा लेगी। मैं निकलता हूँ बाहर। हेलो। हेलो आशीष जी। आशीष जी, कॉल मी आशीष यार। ओके माय लव, हैप्पी। मम्मी साथ में है ना, इसलिए आपसे बात करने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा है। अभी तुम फ्री हो ना? कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट पे। ची, तुम फिर से बिकने की एड के लिए जा रही हो? क्यों?
तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं, तुम मेरे सामने आओगी तो अच्छा लगेगा। हाय राम, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वही करूँगी, लेकिन मैंने एडवांस में 50,000 रूपए लिए थे, वो सारे खर्च हो गए। तुम टेंशन मत लो, पैसा मैं रिटर्न कर दूंगा। और फिर वो फ्लाइट का 15,000 रूपीज। 50 दे सकता हूँ तो क्या 50 नहीं दूंगा? यू आर सो स्वीट आशीष, आई कांट बिलीव दिस। सब लोग मुझे दूर से देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तुम मुझे नजदीक से देखोगे। मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर SMS करती हूँ। हाँ ओके ओके, एक मिनट मुझसे अकेले में कम मिलोगी? ए नॉटी, जैसे ही फ्री होती हूँ कॉल करूंगी। SMS करना भूलना नहीं है? नहीं भूलूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। भक्त तेरी माँ का, लाइन मारने आया है। अंकल, अंकल क्यों रे, क्या सोच रहा है? हाँ? कुछ नहीं यार। अरे बता ना। मैं सब जानता हूँ। अगले महीने तेरे पापा रिटायर होने वाले हैं, तेरे बहन की शादी भी नहीं हुई और तेरे पास जॉब भी नहीं है, यही सब चल रहा है ना तेरे दिमाग में? बिल्कुल सही बोला तूने, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। डायलॉग बंद कर और सुन, पुणे में मेरे अंकल की सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ? कल मैंने उनसे तेरे लिए बात की थी, अगले हफ्ते तेरा इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। ए थैंक्स यार। Happy birthday to you. ओके ओके, तू रुक रुक। तुम्हें तो? ओके, थोड़ा और खा ले चल। ए, ये टी-शर्ट मैं तेरे लिए लाया। थैंक यू सो मच यार। वेट वेट। पापा, गौतम ने दी। अच्छी है। एक मिनट आ। या। गौतम, तुम कब आए बेटा? अभी आया अंकल। ये लीजिए, सरस्वती के शादी की तैयारी कीजिए। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं बेटे? जिसको यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो हमें छोड़कर चला गया। पापा, मुझे जॉब मिल गया पापा। ओह वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। सैलरी कितनी है? 30,000 है पापा। 30,000, गुड गुड। बेटी सरस्वती। हाँ डैडी। यहाँ तेरे भाई को जॉब मिल गया है। जॉब मिल गया? हेलो, कांग्रेस भैया। थैंक यू। अच्छा बताओ, आते वक्त मेरे लिए क्या लेके आओगे? क्या लाऊं तेरे लिए? तेरे लिए दूल्हा लाता हूँ। जब देखो मेरी शादी की बात करते हो। नाराज मत हो, पापा को फोन दो। अच्छा तो वापस कब आ रहा है? पापा, रिजर्वेशन हो गया है, कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा। सुबह तक पहुँचूंगा ऐसा बोल रहा था, लेकिन उसकी लाश यहाँ पहुँची थी। तब से आज तक तुम ही हमारे परिवार की देखभाल कर रहे हो, अगर तुम नहीं होते तो हम सड़क पर बैठकर भीख मांग रहे होते। आप ऐसी बातें मत कीजिए, उस दिन आपको फोन करने से पहले मुझे फोन किया था उसने, बहुत ही खुश नजर आ रहा था वो, क्योंकि जॉब मिली थी ना उसे। सरस्वती की शादी में अब कोई अड़चन नहीं आएगी, उसने आज तक कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, और इतना अच्छा लड़का टेररिस्ट के बम ब्लास्ट में मार दिया गया। Excuse me, designer sarees कहाँ है? ओके इदी, मयूर कॉस्मेटिक वाली लड़की कितनी सुंदर है ना? हाँ यार, बहुत सुंदर है। डिजाइनर सारीज दिखाइए। सर, ये मॉडल हमारे मॉल में आई है। तुम सच कह रहे हो क्या? हाँ सर, वो देखिए नीचे। हाँ ये वाली। वेलकम टू अवर कला मंदिर शोरूम मैम। क्या आप मुझे जानते हैं सर? क्या बात करती है मैम, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। ए मैडम को जो चाहिए वो उन्हें दे दो,
और ध्यान रखना मैडम से कोई बिल मत लेना। मैडम हम आपसे बिल कैसे ले सकते हैं? मैडम प्लीज हमारे लिए भी एक ऐड कीजिए ना। आप क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप भी ना मैडम, बाहर देखिए कितना बड़ा होर्डिंग लगा है, हम आपको कैसे नहीं पहचानेंगे। मैडम आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, मैडम को कपड़े दिखाओ। हाँ ठीक है सर। मैडम आपका एड बहुत अच्छा है, एक ऑटोग्राफ प्लीज। मेरा प्लीज। ओके मैडम वन फोटोग्राफ प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपका एड बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। हाँ दर्शन बोल। भाई सारे शहर में होर्डिंग लग चुके हैं, पर ये कला मंदिर में दो होर्डिंग लगाने के लिए बोला था, एक ही लगाए। अच्छा ठीक है, तू प्रकाश आर्ट्स को फोन करके पूछ ले। ठीक है भाई। हाँ चल चल, जरा साइड में हटना। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? तुम सच में कैसे आ गई? तुम सच में ही हो ना, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये एड मैंने नहीं किया है, शायद इन्हें गलतफहमी हुई है। ये एड हमने बनाया है मयूरी कॉस्मेटिक के लिए, हमारे क्रिएटिव गौतम ने तुम्हारा चेहरा कंप्यूटर से तैयार किया। अब तुम सच में ही आ गई तो सब खत्म, क्योंकि उसका माइंड तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उनका फोन नंबर दे सकते हैं? फोन नंबर क्या, बात करवा देता हूँ। अब क्या है यार? भाई एक शॉकिंग न्यूज है, आपने जो लड़की बनाई वो सच में पैदा हो गई। इट्स इम्पॉसिबल, वो लड़की कैसे हो सकती है? सुबह सुबह चढ़ा लिया क्या तूने? नहीं चढ़ाई भाई, मैं भी लड़की को देख के हैरान हो गया था। एक मिनट बात कराता हूँ। ये लो मैडम। हेलो मैं हेलो दिस इज गौतम। आपने मेरी तरह एग्जैक्ट चेहरा क्रिएट कैसे किया? सॉरी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं आपसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। मैं यही शोरूम में हूँ, आप आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे असिस्टेंट को फोन दीजिए ना। ओके भाई। ए तुम लोग कहाँ पर हो? कला मंदिर शॉपिंग सेंटर में। अच्छा वहाँ पर ब्लू मून होटल है ना, वहीं पर इंतजार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, आइए मैडम। वॉलेट भैया कॉफी लाइए। आकर पीता हूँ। मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, आपने कहाँ रखी है। भैया कॉफी पी के जाओ, कहाँ जा रहे हो? गौतम भाई आपकी क्रिएशन। हाय। आई एम सरप्राइज्ड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सामने आप खड़ी हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, हूबहू मेरी जैसी।
Somewhere you've seen me. No chance. Really? Promise. It's a wonder. इतना एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं? कई लड़कियों की फोटो मिलाकर मैंने आपको बनाया है. You're a genius. मैडम, ऑटोग्राफ प्लीज. ओके. सर, मैडम के साथ एक फोटो लीजिए ना प्लीज. थैंक यू मैडम. You're welcome. देखा आपने मैं कितनी पॉपुलर हो गई हूँ. पर मुझे भूलिएगा नहीं. फोन मेरे घर से, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं रिसीव कर लूँ? बोलो माँ. आज लड़के वालों ने फोन किया था. अच्छा बेटी बताओ उन्हें क्या जवाब दूँ? ये सब तो ठीक है लेकिन. अरे क्या जवाब दूँ उन्हें मैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी. क्यों? क्यों शादी नहीं करनी है? अगर तेरी हरकतें ऐसी रही ना तो इस जन्म में तेरी शादी कभी नहीं होने वाली. लड़के वालों को आखिर क्या जवाब दूँ? इतनी जल्दी शादी क्यों करूँ मैं? सच सच बता, तुझे कोई पसंद आ गया है क्या? हेलो, अब क्यों चुप हो गई? कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो, अरे कुछ बोल तो सही. आपकी शादी हो गई है? हाँ, क्या हो गई है. दो लड़के हैं और एक लड़की है. पहला वाला 8th क्लास में और दूसरा वाला 6th क्लास में, और लड़की केजी में पढ़ रही है. मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है, समझ गई? ओ, आपको ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता. आप ऐसा क्यों बोल रही है? आपकी चप्पल से मालूम पड़ा. वो क्या है ना, आपसे मिलने की जल्दी में था तो. अच्छा, आपकी बीवी और बच्चों ने नहीं बताया क्या? तूने मुझ पर पानी मारा? आपको क्या लगा किसी हीरोइन ने मारा? अरे पानी मारकर मुझे उठाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे बॉस ने 25 बार फोन किया और तूने फोन नहीं उठाया. अब वो लैंडलाइन पे फोन कर रहा है. चलो उठो, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ. ठीक है, कॉफी पिला. गुड मॉर्निंग भाई. हे दर्शन, तूने कल मुझे कला मंदिर से फोन किया था ना? कला मंदिर से मैं क्यों फोन करूंगा? अरे वो कामाक्षी से मिलने के लिए. इस कामाक्षी को? हाँ. अरे तूने ही कामाक्षी को ब्लू मून होटल में मिलवाया था. वो ब्लू मून होटल नहीं है, बार है. रात की उतरी नहीं क्या? सर क्या है? कॉफी. भाई को कॉफी नहीं चाहिए, ठंडा. अरे छाछ लेके आ और दो नींबू लेके आ, हैंगओवर के लिए अच्छा है. सुनो, रेनबो एड एजेंसी से अपॉइंटमेंट ले लो. इस लड़की से मैं अपनी बियर की एड करवाना चाहता हूँ, समझे? इस लड़की का लुक तो एकदम ट्रेडिशनल है, एकदम इंडियन लुक है सर. ये हमारे एड के लिए सूट नहीं करेगी सर. इसकी बिंदी हटा देंगे और ये कपड़ा हटा देंगे और मॉडर्न कपड़े पहनाकर हाथ में बियर का बोतल देके एड करा लेंगे, क्या बोलती हो? मैं अपनी बियर की एड के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा था. ये लड़की एड के लिए मुझे पसंद आई है. ओके, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है. कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कास्टिंग बकवास नहीं होनी चाहिए. एक्सक्यूज मी सर, मैं बात करना चाहता हूँ. मैं नहीं करना चाहता. फिर तो मैं कल से नहीं आऊंगा. अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप जाइएगा मत, मैं आता हूँ. हाँ ठीक है ठीक है. उस अंधे को सबक सिखाने के लिए मैंने खेल खेला था. लेकिन आप इसे सच बता दीजिए कि वो लड़की नहीं मिलेगी. अब ये क्या बोल रहा है? मैं आपको सब साफ साफ बताता हूँ, ये लड़की नहीं है. यहाँ नहीं है क्या? कहीं भी नहीं है. कहीं नहीं है तो फिर यहाँ कैसे आई है? अरे ये फोटो हमारे स्टाफ की क्रिएटिविटी है. ये तो और अच्छा है, न्यूड दिखाएंगे, लोग पागल हो जाएंगे. ठीक है, आप एडवांस दे दीजिए, हम एड बना देंगे. कितना? 10 लाख एडवांस. ये लीजिए चेक. थैंक यू. डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, बनते ही मुझे फोन करना. ऑलराइट सर. जी सर, जी सर. ओके सर, चलता हूँ मैं. थैंक्स सर. कामाक्षी को क्रिएट करके तुमने कमाल कर दिया गौतम.
इसके चक्कर में हजारों नहीं लाखों रुपया आ रहे हमारे पास। ये लड़की कामाक्षी नहीं, हमारे लिए तो कामधेनु है, समझ गए? अच्छा ये लड़की सच में होगी क्या? वो तो ब्रह्मा जी से ही पूछना पड़ेगा सर कि उन्होंने इसे क्रिएट किया या नहीं, तब पता चलेगा। मैंने कल तुम्हें ख्वाब में देखा, मैं इस तरह तुम्हें नहीं देख सकता। अगर तुम सचमुच इस दुनिया में होती तो मैं तुम्हें इस तरह नहीं बनाता। कल मेरी बेटी की सगाई होने वाली है, कितनी खुश दिखाई दे रही है। अच्छा हो रहा है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ डैडी। किस बात की खुशी है? और नहीं तो क्या, दीदी मुझे कितना टॉर्चर करती है हमेशा। मैं तुझे टॉर्चर करती हूँ? बताता हूँ, क्रिकेट किट मांगा तो तेरी शादी के लिए पैसा जमा होने लगा, जींस खरीदने के लिए 1000 मांगूंगा तो नहीं है, तू ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे मांगेगी तो जितना चाहो उतना। डैडी से कुछ बोलो तो बोलते इसकी शादियों की जाने वाली है, एक साइकिल मांगी वो भी नहीं दी, तेरे खर्चे के कारण मुझे पैसा नहीं मिलता। 14 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था, अब जाके दिल को तसल्ली मिली। हे भगवान, इसके फिल्मी डायलॉग तो जान ले लेंगे मेरी। मेरे जाने के बाद पूरी जायदाद सर पे उठा के घूमते रहना, ठीक है? हाँ घूमूंगा। अच्छा सुनो, जरीना को फोन करके एंगेजमेंट के लिए बुलाया कि नहीं? ओह गॉड, मैं भूल गई, जस्ट अ मिनट, अभी करती हूँ। हाय, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आती हूँ, 5 मिनट्स। हाँ लोग बैठो। ओके। हाय जरीना। हाय मीनाक्षी। हे, कल मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। हाँ कांग्रेचुलेशंस। कौन है वो खुशनसीब? वो वैजाग में एक स्टील प्लांट में मैकेनिकल इंजीनियर है, कांग्रेट्स बोलकर काम नहीं चलने वाला है, तुम्हें एंगेजमेंट में आना पड़ेगा। हे, शादी में आकर बोलूंगी। नथिंग डूइंग। चैनल में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम कितना टेंशन वाला होता है ये तो तुम जानती हो, और मैं जिस ऑपरेशन पर काम कर रही हूँ वो बहुत ही रिस्की है, मैं कब कहाँ रहूंगी खुद मुझे नहीं पता। वॉट यार, क्यों इतनी हेडेक ले रही हो, शादी करके सेटल हो जाओ ना। तुझ जैसी लड़कियां हमेशा खुशी से रहें, इसलिए हम जैसे लोगों को इस तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं। कहानी सुनाना बंद कर दे, कल के फंक्शन में तुम जरूर आना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हे मीनाक्षी, मीनाक्षी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। हाँ करीम बोलो। मैडम मैं आपके ऑफिस के बाहर हूँ। ठीक है मैं आती हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। चलो, उमर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले थे ना? हाँ हाँ मैडम, आपको मार्च 24 का मक्का मस्जिद में क्या कांड हुआ था आपको याद है ना मैडम? हाँ, पिछले साल इसी दिन उमर कुछ पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग गया था। हाँ मैडम, इस बार भी उसका ऐसे ही कुछ प्लान है, कल सुबह 9 बजे वो मनीष मार्केट जाने की बात कर रहा था, मुझे भी आने को कहा है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है मैडम। ये लो रखो। थैंक यू मैडम, पुलिस वाले को जितना भी इन्फॉर्मेशन दो वो इतने पैसे तो नहीं देंगे। अब तुम पुलिस के साथ नहीं मेरे साथ काम करोगे, मेरे असिस्टेंट बनकर। हाँ शुक्रिया मैडम। यहाँ साइड में रुकना। यहाँ ओके मैडम। मनीष मार्केट चलना है ना भाई? नहीं बशीर बाग चलो। चल निकल। हाँ ठीक है भाई। बोलो करीम। मैडम प्लान चेंज हो गया है, मनीष मार्केट नहीं मैडम, बशीर बाग में आओ। ओके प्लान चेंज हो गया है, बशीर बाग चलते हैं। ओके मैम, कम ऑन। Oh!
वांटेड मिलिटेंट मोहम्मद उमरुद्दीन ने आज इस शहर में दूसरी बार हंगामा किया है। शहर के बीचों बीच बशीर बाग में डिप्टी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने उसने 3 पुलिस वालों को मारकर पुलिस महकमे में सनसनी फैला दी है। हमारी रक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा, यही सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सलाम अलैकुम कय्यूम भाई। वालेकुम सलाम, मुबारक हो भाई, आपने तो हैदराबाद के पुलिस वालों की पैंट गीली कर दी। शुक्रिया भाई शुक्रिया, हम लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। बहुत खुशी की बात है भाई, हैदराबाद को तबाह करने के लिए परसों बांग्लादेश से हैदराबाद आ रहे हैं। आपसे मिलने के लिए हम भी बेताब हैं। ए, कल हमारे कुछ खास लोग आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से पिकअप कर लेना। ठीक है भाई। फोन करके पूछी ना, वो लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? फोन ही कर रहा हूं लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। क्या हुआ होगा? देखो वो लोग आ गए। आइए आइए पंडित जी, जल्दी कीजिए, मुहूर्त का वक्त निकल रहा है। समधी जी, मुहूर्त का वक्त निकल रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं? पहले बताओ ये सब क्या है? मुहूर्त वुहूर्त के बारे में बाद में बात करेंगे। मीनाक्षी ये सब क्या है बेटी? मुझे कुछ नहीं मालूम पापा। थोड़ी देर में कहोगी कि ये मैं नहीं हूँ। सचमुच मैं ये नहीं हूँ। अभी तुम सिर्फ मैगजीन देख रही हो, हमने शहर में सारे होर्डिंग्स देखे हैं। तुम क्या बात कर रही हो? हमें घर पे बहू चाहिए, मॉडल नहीं। गॉड प्रॉमिस अंकल, ये मैं नहीं हूँ। मेरा इस एडवर्टाइज से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये सब क्या है? मुझे लगता है किसी वेबसाइट वाले ने कोई फोटो ट्रिक करके ये छाप दी होगी। मैं सच्चाई प्रूफ करके रहूंगी, तब तो ठीक है ना? ओके, अगर ये एडवर्टाइजमेंट सही नहीं है तो मैं पेरेंट्स को कन्विंस करूंगा। थैंक्स अ लॉट। ये एंगेजमेंट अभी नहीं होगी, आप कहोगे तो भी नहीं होगी। हम कल ही हैदराबाद जाएंगे। हम कल सुबह हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तुम रेनबो एड एजेंसी के बारे में पता करके रखना। ओके okay. मैं अपने लॉयर से बात करती हूँ, हम लोग उस एड एजेंसी वाले को छोड़ेंगे नहीं। सर आप तो कह रहे थे आपकी मॉडल बहुत शरीफ है, ये देखिए कैसे कैसे ऐड कर रही है। इसका फिगर बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो ये पब्लिक फिगर हो गई। हेलो आशीष डार्लिंग, मैंने तुम्हारी बियर की ऐड देखी, बताओ तुमने ये ऐड क्यों की? अच्छी है ना? मुझे बहुत हर्ट हुआ, तुमने ये गंदा ऐड क्यों किया? छी, सॉरी सॉरी, ये तो आपसे मिलने से पहले का ऐड है, अब तो मैं ऐसे ऐड में काम भी नहीं करती। कल ही तो आपके कहने पर वो पिकनिक का ऐड कैंसिल किया था ना? हाँ वो तो तुमने कैंसिल किया। जाने दो, कॉन्डम के ऐड के लिए फोन आ रहा है, क्या करो? कॉन्डम का ऐड तुम मत करना, तुम पब्लिक की नहीं हो, तुम मेरी पर्सनल हो। जाने दो, भगवान और भक्त के बीच की दूरी मिटाए है अंबिका अगरबत्ती, ये ऐड करूं क्या? पागल है, मुझ पे पूरी तरह वर मिटी है, सब कुछ मुझसे पूछ के करती है। लेकिन हम कब मिलेंगे? कहाँ पर? होटल में रूम बुक करूं? कब? कल ही। अच्छा अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। बोलो डाली, रिक्वेस्ट मत करो, ऑर्डर दो। मेरी मम्मी को बुखार है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए डाल दीजिए ना। अभी डालता हूँ और होटल में रूम बुक करके नंबर भी बता देता हूँ। बुक कर लो, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा मैं फोन रखूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ए बियर बेबी, पोस्टर से ज्यादा तो सच में तू हॉट लग रही है, एंजॉय बॉस। शट अप यू इडियट।
हेलो मैडम। बोलो करीम। बांग्लादेश से कुछ आतंकवादी उमर से मिलने आ रहे हैं, वो सब लोग पहुंच चुके हैं, आप जल्दी आ जाइए मैडम। मैं अभी आती हूँ। गॉड। الموت هو القتل وأشرف القتل وأعظم الشهادة هو أن يقتل الإنسان في سبيل الله بجنگ مردم عراق اومدن علاوه بر اینکه اومدن به اسلام است. آیه بھائی آیه ماشاءاللہ کیا جگہ ہے. سلام علیکم قیوم بھائی. وعلیکم السلام. آیا سب خیریت تو ہے نا بھائی؟ الحمدللہ. بولو بھائی کیا لیں گے؟ ارے بھائی حیدرآباد کی بریانی اور ایرانی چائے ساری دنیا میں مشہور ہے, بریانی تو شام کو کھائیں گے ہی, फिलहाल चाय तो पिला दो भाई। अरे छोटे जाकर मदीना से कड़क चाय लेकर आ। और सुनाओ भाई। भाई कमाल है, आपकी तारीफ करने के लिए हमारे पास तो लफ्ज ही नहीं है। पुलिस वालों को मार दिया और वो भी डिप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस के सामने। वाह भाई वाह माशाल्लाह। भाई ये कौन सी बड़ी बात है, इस बार 50 नहीं लाखों को उड़ाएंगे भाई। भाई। चलो भाई इनसे मिलो, ये है मोहम्मद तारिफ और ये मोहम्मद अख्तर, ये दोनों सभी तरह के बम बनाने में माहिर हैं। परसों गुवाहाटी की कामयाबी इन्हीं के सर है। अच्छा, अरे वाह। खैर छोड़ो, आगे का प्लान क्या है? चलो बताता हूँ। हम लोगों को दो ग्रुप बनाकर दो जगह पर धमाका करना है, एक है असेंबली और दूसरा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। पिछली बार पार्लियामेंट बच गया, इस बार असेंबली नहीं बचेगी। नहीं कय्यूम भाई, तुम लोग रेलवे स्टेशन का काम संभालो, क्योंकि मैं असेंबली के हर कोने कोने से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और ये सब आप लोग नहीं जानते, इसलिए मैं असेंबली का काम संभालूंगा। लेकिन वहां तो आसानी से पकड़े जाने का खतरा है, क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा होगी। इस ब्लास्ट के बाद पकड़ने के लिए ना पुलिस वाले रहेंगे और पकड़े जाने के लिए ना हम रहेंगे, क्योंकि इस बार हम फिदाइन ह्यूमन बम बनकर एम्बुलेंस के साथ असेंबली में घुसकर ब्लास्ट करेंगे और इस बम का असर तकरीबन 1 किलोमीटर तक होगा। आप तो सच्चे जिहादी हो भाई। हम तीनों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे, 3 प्लेटफॉर्म पर 3 बैग छोड़ देंगे, स्टेशन से बाहर आके सेल फोन से डायल करेंगे, रिंग होने के बाद जो बैग्स में बम रखे हैं उनका सर्किट इग्निट हो जाएगा और बम ब्लास्ट हो जाएगा। बम के बंदोबस्त का क्या हुआ? एक ही ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में आज ठीक 10 बजे मनीष मार्केट के पीछे की रोड से बम और उससे ताल्लुक रखने वाला सारा सामान आ रहा है, उसे अपने कब्जे में लेना है। ये दिन भारत के लिए बहुत ही भयानक दिन होना चाहिए। सोचने से ही डर लगता है, अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। थैंक्स करीम, अच्छा काम किया, ये लो। पैसा नहीं चाहिए मैडम, इतने दिन तक मैं आपसे जीने के लिए पैसा लेता रहा, मेरे कारण आज कई लोगों की जान बचेगी, मैं बहुत खुश हूँ मैडम। पैसा नहीं चाहिए मैडम। थैंक्स करीम। ओके मैडम। इससे हम अपने देश को भी बचाएंगे और इस न्यूज से हमारे चैनल का भी नाम होगा। इस डीवीडी को तुरंत पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में देकर वहाँ से एके ट्रांसपोर्ट में चलेंगे, ठीक है? ओके। बापरे लगता है मीनाक्षी आ गई, 5 मिस्ड कॉल है इसमें। हेलो, सॉरी सॉरी मीनाक्षी, तुम आ गई हो? एक्चुअली मोबाइल साइलेंट पे रखा था, तुम्हारा कॉल मिस हो गया। हम लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए, तुम्हारा फ्लैट बंद था तो हम लोग होटल में आ गए। कौन से होटल में? नामपल्ली हरिता होटल। नामपल्ली में तू आ रही है ना?
एक्चुअली मीनाक्षी, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम में हूँ, मैं इतनी दूर नहीं आ सकती। हम दोनों कहीं और मिलते हैं, अफजल खान स्काईलैंड रेस्टोरेंट में। ओके, जस्ट अ मिनट। एक्सक्यूज मी, बोलिए सर, क्या हेल्प कर सकता हूँ? आई एम आशीष माधव, मैंने एक रूम बुक किया है। एक मिनट सर। यस। ओके सर, योर कीज सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। टाइम पास कर रही हो? नहीं सर। हाँ, अभी फोन क्यों कर रहा है? ओहो, होटल में इंतजार कर रहा है। सॉरी डार्लिंग, आई एम एंगेज्ड। फोन काट दिया। फाइल ठीक से रख देना। okay, अबे बेवकूफ। फिर काट दिया। उसके मांगने पर दो दो बार पैसा दिया, उसके कहने पर ही रूम बुक किया ना, फिर वो फोन क्यों काट रही? हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर से ट्राई करता हूँ। अरे कामो तो यहीं पर है, इसीलिए फोन काट रही थी शायद। हाय कामो। ए, कौन है रे तू? ओह सॉरी सॉरी, तुम्हें वो समझ लिया था, सॉरी सॉरी। अरे चल बाजू हट। हाय कामो, तुम फोन कट कर रही थी, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। सब ठीक है ना? रूम तो इधर है, तुम उधर कहाँ जा रही हो? फोन पे तुम्हें रूम नंबर बताया था, भूल गई क्या? ए, कौन है रे तू? कौन हूँ मैं? ए, मुझे पहचान नहीं रही हो? मैं आशीष हूँ, मुझे भूल गई क्या? मुझे हाथ लगाता है, धक्का। तुमने मुझे मारा क्यों? ए, रुक जा। मीनाक्षी कौन है ये? मीनाक्षी नहीं, ये कामाक्षी है। अच्छा तू कौन है? कौन है, कौन है पूछ रहा? ढक्कन तू कौन है? और मैं कौन हूँ? तुम मुझसे पूछ रही हो? कल तुमने फोन करके 25,000 रुपए अकाउंट में डलवाया था ना? नहीं, मेरे पास स्लिप भी है, ये देखो, ये रही स्लिप। मुझे पैसे देकर बुक कर रहा है इडियट। मीनाक्षी, मीनाक्षी, वेट अ मिनट, आप कौन है और किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं मयूरी कॉस्मेटिक्स का MD हूँ। इसने मुझसे 3,00,000 रुपए ऐड के लिए लिया था। मतलब कनेक्शन मुझसे और कनेक्शन तुझसे। कामाक्षी मेरे लिए, मीनाक्षी तेरे लिए। चल भाग इधर से, निकल जाओ दोनों यहाँ से। अरुण ये पागल है शायद। डोंट ट्राई टू चीट मी, मुझे खूबसूरत लड़की पसंद है, इसलिए मेरी होने वाली बीवी भी खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन ऐसी धोखेबाज नहीं होनी चाहिए। गुड बाय। अरुण, अरुण मेरी बात तो सुनो। कामू ये सब एक्टिंग है, उससे तेरा कोई चक्कर नहीं है, उसको जाने दे, तू चल मेरे साथ आ जा। हाथ लगा दे, ढक्कन कहीं का। मैडम क्या बात है, क्या ये हुआ? कह रहा है इसने मुझे 3,00,000 रुपए दिए और कह रहा है रूम में चलो। हाँ सर, इसने मुझे भी टच किया था। मैं? क्यों बे? होटल की रिपोर्टेशन खराब करना चाहता है। चकरटी मारो इसे। तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, तुम अरुण को फोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये एड वालों ने तो मेरी जिंदगी स्पॉइल कर दी है। छोड़ूंगी नहीं, रास्ते पे लाकर रख दूंगी इन्हें। कूल कूल डाउन, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है, लॉयर और कमिश्नर से भी बात की है। अपनी रेपुटेशन के लिए तुम 1,00,00,000 रुपए तक की डिमांड कर सकती हो। पर ये कैसे होगा? मीनू मुझे थोड़ा सा वक्त दो, एक इम्पोर्टेंट काम है, उसे खत्म करते ही हम एड एजेंसी चलेंगे। अभी आई हो, अभी जाने की बात कर रही हो? समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी काम है। मैडम टाइम हो रहा है मैडम। हाँ, जस्ट 1 आवर प्लीज। तुम होटल चली जाओ, मैं आकर पिकअप करूंगी। बातों बातों में इस DVD को कमिश्नर के ऑफिस में देना भूल गई करीम। कोई बात नहीं मैडम, एक के ट्रांसपोर्ट में रिकॉर्ड करके दोनों एक साथ भेज देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस DVD को तू अपने पास रख, मैं आकर ले लूंगी। अब मैं चलती हूँ। ओके। चलो चलो।
करीम कमीने, तो हमारा ही नमक खाकर हमसे ही नमक हरामी कर रहा है, तो मुसलमान के नाम पर धब्बा है। मैंने कुछ नहीं किया भाई। हमारी इस पाक लड़ाई का पहला दुश्मन तू है, गद्दार कहीं का। और तेरी कहानी क्या है? 2 साल से हैदराबाद की सारी पुलिस मुझे ढूंढ रही है, अब तू मुझे पकड़वाना चाहती है? हमें मदद करने की बजाय तू हमें फंसाना चाहती है? तुम लोग सच्चे मुसलमान हो? सच्चा मुसलमान सच्चा हिंदुस्तानी होता है। मैं इस हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दूंगा। बोल बे साले, ये सब क्या है? किस लिए लाया था इसको यहाँ पर? हमारे साथ में रहकर हमें ही पकड़वाना चाहता था। भाई मैं आपको सब कुछ बताता हूँ भाई। सुबह से आप लोगों ने जो जो भी काम किया है, एक ट्रांसपोर्ट से लेकर बम कलेक्ट करने तक, सब शूट करके कमिश्नर के पास पहुंचाने का उस मैडम का प्लान था भाई। सुबह वाली रिकॉर्डिंग इसमें नहीं है भाई। भाई वो दूसरी डीवीडी में है भाई। वो डीवीडी कहाँ है? हाँ, ये आने से पहले जरीना ने वो डीवीडी अपने फ्रेंड को दे दिया भाई। कौन है वो फ्रेंड? मुझे नहीं मालूम भाई। मीनाक्षी भाई, यहाँ आने से पहले अफजल खान स्काईलैंड होटल में हम लोग मिले थे भाई। उसकी बातों से लग रहा था भाई नामपाली के किसी होटल में वो रुकी है भाई। उसे पहचानता है ना? हाँ पहचानता हूँ भाई। चल ए, खोल रहे। अरे बाप रे, ये एड भी नहीं चाहिए, ये लेडीज भी नहीं चाहिए। ये तो लड़कियों से मार खाया हुआ आशिक लगता है। आशिक भी मैं ही हूँ और मार भी मैंने ही खाई है। किसने मारा? और किसने, कामाक्षी उर्फ मीनाक्षी ने। आपने कामाक्षी को ठीक से देखा था? हाँ मैंने खुद देखा था। 5 फीट आगे थी या 5 फीट पीछे थी? 5 फीट आगे था या पीछे, मजाक कर रहे हो? उस पागल ने तो मेरा चश्मा भी तोड़ दिया था। उसने फोन किया कि मेरी मम्मी बीमार है, तो मैंने उसके अकाउंट में 25,000 रुपया भी डाला। कमीने, तेरी ये 6 महीने की सैलरी कट। अब तुम्हारे समझ में आ गया ना, काम को काम की जगह रहने दो और अपने काम को घर ले जाओ, तभी दुनिया चलेगी। ఏం కావాలి సార్? మీనాక్షిని అమ్మ ఈ రోజు ఈ హోటల్ ఏమైనా దిగిందా? లేదు సార్, ఆ పేరుతో ఎవరు లేరు. सर। यस सर। यहाँ कोई मीनाक्षी नाम की मैडम ठहरी है क्या? लिस्ट में उनका नाम नहीं है सर। भाई वो लड़की है भाई, वो जो गाड़ी में बैठ रही है। नहीं नहीं भाई, वो जो होटिंग में है भाई। क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग खराब है भाई? माँ कसम भाई, वो होटिंग वाली लड़की है भाई। रेनबो एड एजेंसी, चलो। हाँ।
ये मोबाइल के एड के लिए मॉडल कितने बजे आ रही है, फोन करके पता करो। ओके सर। तुम्हारा एमडी कहाँ है? हाँ, कमक्ष। ए, बोला किधर है? इस तरफ। सॉरी, ये मॉडल बहुत बिजी है, 20 लाख डिमांड है इसकी। आप 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं काम करवा दूंगा। बाबरे, यू इडियट, मेरे फोटो से पैसे कमा रहा है? हाउ डेयर यू, मेरी सेमी न्यूड फोटो पब्लिश करवाने की। यू इडियट, खुद को क्या समझते हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें चीप लगती हूँ? यू इडियट, ब्लडी फूल, गधे, नालायक। हाँ बस मैं तुरंत आ ही रहा हूँ। तुम ऐड से बाहर कैसे निकली? कौन है रे तू? तूने मेरी फोटो छपाई थी, कमीने। ए गौतम, तुम्हारी कंप्यूटर वाली कामाक्षी सचमुच बाहर आ गई। ए मैडम, तुम्हें सेमी न्यूड में क्रिएट करने वाला ये साफ है। अरे बापरे, यू इडियट, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला ब्लडी रास्कल, इडियट। वही आंखें, वही नाक, सब कुछ तो वही है। तुम कामाक्षी हो ना? Shut up, I'm Meenakshi, okay? This is really shocking. आप मेरे सामने खड़ी हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। Don't talk rubbish. तुमने मुझे कहीं देखा है? कब से मुझे फॉलो कर रहे हो? मेरी मर्जी के बिना फोटो कब खींची? मेरी बात तो मानिए, प्लीज आप इधर आइए, इधर आइए। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? You made my life hell. मैंने आपकी शक्लों को कंप्यूटर से क्रिएट किया था। देखिए, ये खूबसूरत लड़की की आंखें, इस लड़की की नाक, इस लड़की की आईब्रोज, इस लड़की के होंठ, इन सब के एक एक पार्ट को मिला के मैंने आपको बनाया था मैडम। मुझे तुम्हारी बात से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी शादी रुक गई, मेरे पेरेंट्स अपसेट हैं। मेरी सेमी न्यूड फोटो देखकर मेरी एंगेजमेंट टूट गई। कोई मुझे हॉट बोलता है, कोई सेक्सी बोलता है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, देख लूंगी। मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, सच्चाई है, वो तो मैंने आपको बता ही दी ना। क्या सच्चाई सुनूं? हाँ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अरे समझने की कोशिश करो, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। नथिंग डूइंग, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे एड एजेंसी को कोर्ट तक ले जाऊंगी। हाँ, और तुम्हें कोर्ट में घसीट कर 1 करोड़ रुपए का दावा ठोक दूंगी। आई मीन इट, यू अंडरस्टैंड? अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। बाप रे, चली गई। ये क्या है? कंप्यूटर में क्रिएट किया था, आंख एक की, नाक एक की, कान एक का, हाथ किसी और का, मुझसे झूठ बोल रहा था। प्रॉमिस सर, मैं इस लड़की को अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वो क्या कह गई है कि हम पे करोड़ रुपए का दावा ठोकेगी, मेरा ऑफिस बंद हो जाएगा। अरे मेरा ऑफिस क्या, तू मैं बाला मिलकर भी उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता। तू उसके हाथ पकड़, पैर पकड़, कुछ भी पकड़ ले, कर मैटर क्लियर कर। अरे ये बात किसी चैनल को पता चली तो हमारा एड चलने लग जाएगा। अरे जाना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज प्लीज जाने दो। चुप, हेल्प हेल्प। डीवीडी कहाँ है? कौन सी डीवीडी? जो तुझे तेरी फ्रेंड जरीना ने रेस्टोरेंट में दी थी। होटल में है। कौन से होटल में? हरिता होटल। रूम नंबर क्या है? 216। अब इस कुत्ते का क्या करना है? उतर, एक मिनट। अब जा। अब्दुल, डीवीडी मिलते ही। उमर,
दिस इज चैतन्य स्पीकिंग। वांटेड टेररिस्ट उमर हरिता होटल में, जल्दी से यहाँ फोर्स भेजो। ओवर। चल निकाल जल्दी, निकाल यूडी, निकाल जल्दी कर। पुलिस की फोर्स आ गई, जल्दी बाहर निकलकर पीछे वाले गेट पर आ जाओ। हाँ ठीक है। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। शिट, कहाँ गया वो? ऊपर चलो। अरेस्ट देम। सर हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं सर? वो कहाँ गया? सर खिड़की से कूदकर भाग गया सर। सर क्या है आप, ये क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस सर, ये क्या है? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो ये डीवीडी लेने आया है। ये डीवीडी क्या है? पकड़े जाने के बाद कहानी सुना रहे हो? ले चलो इन्हें, इनकी कहानी लॉकअप में सुनते हैं। भाई डीवीडी मिस हो गई। अब हाई कमांड को क्या जवाब देंगे? चल रहे, चल बता वो टेररिस्ट कहाँ है, उमर कहाँ है? हम नहीं जानते सर, हमें कुछ नहीं पता। इसके साथ आया था वो खिड़की के रास्ते भाग गया। चुप कर, कहाँ से आया तू? बांग्लादेश या पाकिस्तान? चल पासपोर्ट निकाल। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है सर। अरे, तेरे जैसे लोगों को बहुत देखा है मैंने, चल मेरे साथ। सर उसने डीवीडी के लिए मुझे किडनैप किया था। हाँ, सर मैं इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ आया था सर। फिर कहानी सुनाने लगा, चल। सर यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी सर, आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर इन एड एजेंसी सर। दिस इज माई आईडी कार्ड, दिस इज माई ड्राइविंग लाइसेंस सर। ऐसे फर्जी 10 बना के दूंगा तुझे। सर मेरा नाम गौतम है सर। असली नाम बता बे। ए, तेरी स्टोरी क्या है? सर मैं वैजाग से हूँ, मेरा इसे कोई संबंध नहीं है सर। संबंध क्या? तेल लेने होटल के रूम में क्या कर रही थी? डीवीडी लेने गई थी सर। ये डीवीडी है, इसमें क्या है? मैं नहीं जानती सर, मेरे फ्रेंड ने दी थी। कौन सी फ्रेंड? जरीना। चल फोन लगा उसे। रिंग हो रहा है सर पर उठा नहीं रही है। नहीं उठाएगी, ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। अपने नेटवर्क के बारे में बताओ। चलो अब ये बताओ, तुम एक दूसरे को जानते कैसे हो? सर इसको मैं नहीं जानता हूँ, इसका किडनैप हुआ और मैं इसे बचाने के लिए गया था बस। सर हाय हाय, मॉडल लिकर एड। आजकल मॉडल्स और हीरोइंस का टेररिस्ट के साथ लिंक होता है। मोनिका बेदी के बाद तू। मैंने ये एड नहीं किया सर। ये इसे मैंने क्रिएट किया है सर। तू तो इसको नहीं जानता था ना, फिर तेरे ऐड में कैसे? साला बहुत बड़ा रैकेट है तुम लोगों का। हेलो, वो दोनों हमारे साथ ही हैं सर। एक का नाम गौतम है और दूसरी मॉडल है। तेरा नाम क्या है रे? सर मीनाक्षी सर। मीनाक्षी बोल रही है सर। इनकी बातों में सच्चाई नहीं है सर, अब अपनी स्टाइल में उगलवाना पड़ेगा, तोते की तरह बोलने लगेंगे। हमारी वैन पे आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। एक्स्ट्रा फोर्स भेजिए सर, जितनी जल्दी हो सके भेजिए सर। गेट डाउन।
भारा भारा। सिग्नल भी नहीं है। शिट। You are a perverted maniac। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, मेरी शादी टूट गई, और अब तुमने मुझे टेररिस्ट बना के रख दिया। पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। It's all because of you. अगर वो तुम गंदी ऐड नहीं बनाते, तुम्हें यहाँ हैदराबाद में कभी नहीं आती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए। आपको बचाने के चक्कर में मैं भी तो फंस गया। आप मेरी तरफ से भी तो सोचिए। Shut up and don't touch me. I hate you. ये सब मेरे कर्मों की सजा होगी। सुनिए, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। अब क्या करना है ये सोचिए। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। असल में टेररिस्ट आपके पीछे क्यों पड़े थे? प्लीज, इस प्रॉब्लम से हमें बाहर आने के लिए ये सारी बातें याद करके बताइए। मेरी फ्रेंड जरीना स्काईलाइन होटल में मुझे उसने ये डीवीडी दी। वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही थी, कहा था आने के बाद कलेक्ट कर लूंगी, लेकिन वो वापस आई नहीं और मैं इस मुसीबत में फंस गई। अगर वो डीवीडी आपकी फ्रेंड ने दी है तो उसमें टेररिस्ट से संबंधित वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर हो सकती है। अगर सिग्नल आ जाए तो जरीना को फोन करके देखिए। जरीना बिना कहां मर गई, फोन ही नहीं उठा रही है। बापरे, अब जाके लगा फोन। थैंक गॉड माय बॉस। सर,
ये क्या गौतम, तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पूरी पुलिस फोर्स आई थी? आतंकवादी कह रहे थे वो तुम्हें? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं भी कंफ्यूजन में हूँ सर, ये कामाक्षी नहीं है, ये मीनाक्षी है और हम मुसीबत में फंस गए हैं सर। कैसे? हमारे पास एक डीवीडी है, उसके लिए टेररिस्ट हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। सच बताने के बाद भी पुलिस हम पर भरोसा नहीं कर रही है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। ठीक है बोलो। सर अभी हमारी जान को बहुत खतरा है, आप प्रेस वालों को बुलाकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में आ जाइए। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अरे तुम सचमुच के आतंकवादी तो हो नहीं ना? सचमुच का तो कसाब है जिसका हमारे लोग आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए, समझे? ओके सर। ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। मैं तुम्हें सही सलामत वैजाग पहुंचा दूंगा। ओके सॉरी। थैंक यू सर। मैंने नहीं रोकी, ये खुद ही रुक गई। हमें लिफ्ट चाहिए सर। ओके, तो धक्का मारो। एक ही सीट है, एडजस्ट कर लोगे ना? दोनों लवर्स ही हो ना, बैठ जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? वाओ, दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। दोनों के हाथों में हथकड़ी है, एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हुए हो। जल्दी बैठो, मुश्किल से इंजन स्टार्ट हुआ है, बंद हो गया तो फिर नहीं होगा। कहाँ जाना है? पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। ओ, समझ गया, प्यार करते हो इसलिए शादी करना चाहते हो, माँ बाप की मंजूरी नहीं है, पुलिस की मदद लेना चाहते हो, यही बात है ना? Am I right? John is always right. गाड़ी वापस रुक गई सर। रुकी नहीं, मैंने रोकी है। वैसे भी ये रेडिएटर तो गर्म होने वाला है, इसमें पानी डालना पड़ेगा, इसीलिए रुका। हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, आप जाकर ले आएंगे? श्योर। एक बोतल पानी के लिए दोनों क्यों जा रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। चलाइए ना। लव इट फर्स्ट साइट। हाँ, पहले आपने इसे प्रपोज किया था या इसने आपको प्रपोज किया था? अगर हथकड़ी नहीं होती ना तो इसका थोपड़ा फोड़ देती मैं। वापस क्यों रोक दिया? मैंने नहीं रोका, खुद ही रुक गई। कहा था ना पानी डालना पड़ेगा, वहाँ रेडिएटर प्रॉब्लम, यहाँ हैंड ब्रेक प्रॉब्लम। ये लो, ये क्या, फिर दोनों लोग जा रहे हो? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। What a romantic pair. अरे मैंने हमेशा लड़के को लड़की के पीछे घूमते देखा है, यहाँ तो लड़की लड़के के पीछे घूम रही है, पहली बार देखा। कितने लकी फेलो हो तुम लोग। शादी से पहले ही ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा भगवान? या हे भगवान, कोई कुत्ता शेर हाथी आकर इसे खा जाए या पर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर इसे फ्राई कर दे। छोड़ो ना, उस बेचारी को गाली देकर क्या फायदा, हमें बस यहाँ से निकलना है। पानी डालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुमने यहाँ पर एक लड़का लड़की को देखा है? शायद वही दोनों हो, देख लो पानी डाल रहे हैं। ए, किधर है वो? किधर है? अरे मेरी जीप वहां चली गई।
रुको मत प्लीज। I really can't. मैं और नहीं भाग सकती। मैं और नहीं भाग सकती। मुझे बहुत भूख लगी है। उससे नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको गोद में उठाता हूँ, आप आम तोड़कर खा लीजिए, शायद आपकी भूख मिट जाए। हर वक्त मुझे छूने का बहाना ढूंढते रहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, आपको छुए बिना मैं आपकी प्यास मिटा देता हूँ, पियोगी ना? ताड़ी? नहीं, मिनरल वाटर। नहीं पियूंगी। अरे आपके लिए नहीं, मेरे लिए। चलो अब। देख क्या रही हो, आप भी पी लो, come on। मैं नहीं पी सकती। ताड़ का पेड़ है, ताड़ी तो पी है ना तुमने? वो स्ट्रॉन्ग होती है, ये सॉफ्ट है, बस इतना ही। कुछ हो रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं। संभल के। ए, छूने के लिए मना किया था ना? वापस छुआ तूने? क्या कर रही हो? इधर आ बे। लगता है टल्ली हो गई। I'm hungry, मुझे खाना चाहिए। No chance। आम पेड़ के ऊपर है, उसे तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, और तुम तो छूने नहीं दोगी। कुछ भी हो जाए टच नहीं करने दूंगी। समझ में नहीं आता क्या? मैं समझाती हूँ। होते से करो। नजर नीचे। इसे कहते हैं बिना टच किए आम तोड़ना। तो यहां से बहुत दूर है, आप थोड़ा तेज चलिए ना। हाँ बोलो माँ। बेटी वो अरुण तेरे साथ है क्या? नहीं माँ, उसे लगा वो ऐड मैंने किया है इसलिए छोड़कर चला गया। जाने दे, अच्छा है। वो ऐड वाले लड़के पे केस करने की जरूरत नहीं है, उसी की वजह से तू बची है, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। फोन क्यों किया था ये बताओ। वो अरुण तो पहले से ही शादीशुदा था। वो बड़ा सैडिस्ट है। शादी के एक महीने बाद ही उसकी बीवी भाग गई। सच में? उसकी बीवी खुद आई थी शादी का एल्बम लेके। थैंक गॉड। एंगेजमेंट वाले दिन तो बहुत नाटक कर रहे थे, हमारा परिवार ऐसा है, हमारा परिवार वैसा है। कितना सुनाया? अब क्या माँ? एक बात सुनो मीनाक्षी, तुम्हारे पापा और बाकी रिश्तेदार उसी दिन उसी मुहूर्त पे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। उसी मुहूर्त में शादी? हाँ। ये कैसे हो सकता है माँ? तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है बेटी। तुम्हें श्रीनिवास याद है ना? अरे वही जो HDFC बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर है।
उसने तुम्हें एक शादी में देखा था, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। सुन रही हो ना, तुमने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, याद है? लेकिन वो आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी माँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से वाइजाक आ जाओ, बाकी सारी बातें यहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाय। क्या हुआ, आपकी शादी कैंसिल होने की वजह से घर वाले अपसेट है क्या? सॉरी हाँ, मेरी वजह से आपकी शादी रुक गई। इस लफड़े से निपटने के बाद मैं पर्सनली खुद वाइजाक आऊंगा और वो अरुण से, मतलब आपके मंगेतर से मिलूंगा और आपकी शादी करवाऊंगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपकी शादी मैं करवाऊंगा। मैंने गलती की है, गिव मी वन चांस प्लीज। आज सुबह पुलिस और टेररिस्ट के बीच हुए शूटआउट में एसपी के साथ 3 कांस्टेबल उसी स्पॉट पर मारे गए। पुलिस कस्टडी से गौतम और कामाक्षी उर्फ मीनाक्षी भाग गए हैं। इन दोनों का आतंकवादियों से कुछ संबंध है, ऐसा पुलिस का अनुमान है। अच्छा, इसीलिए उन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी थी। इन दोनों को पकड़ने वालों को या इनका पता बताने वालों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये लोग कहीं पर भी दिखे तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9995777722 2333444444 2333324444। हाथ में आए हुए 10 लाख रुपए तूने गंवा दिए जानी। यू आर नॉट करेक्ट जानी, यू आर नॉट करेक्ट। अरे बाप रे, इस नंबर पर फोन करूं तो मेरा भला हो सकता है, वरना मेरा कुछ नहीं हो सकता। 9995977722। पहले हमें यह हथकड़ी काटनी होगी। इस हालत में हम कमिश्नर ऑफिस में नहीं जा सकते, ये देखकर कोई भी मदद नहीं करेगा। ये बैग आपका है क्या? नहीं। ये बैग आपका है? अरे आप छू क्यों रहे हो? टीवी पर देखते नहीं क्या, रेडियो पर सुनते नहीं हो क्या? अनजान चीजों को नहीं छूना चाहिए। अरे भाई इसमें कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा मतलब इसमें बम है? मैं चेक करके बताता हूँ। बैठो जल्दी। आपने वापस हमारी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कौन है वो लोग? वो टेररिस्ट हैं, वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों? इस डीवीडी की वजह से, इसमें उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। ओहो, फिर ये हथकड़ी क्यों लगी है? पुलिस हमें टेररिस्ट समझ रही है सर। आप किसी भी तरह से हमारी मदद कीजिए, हमें कमिश्नर के ऑफिस में छोड़ दीजिए। ओके, आपको मैं पैसे भी दूंगा। पैसे? पैसे लेकर काम करूं? मैं कोई सिविल सर्विस मैन हूं क्या? आई एम एन एक्स सर्विस मैन, यू नो। अंदर आओ, कम ऑन। हाँ, इन सब के लिए थैंक्स सर। थैंक्स क्यों भाई, इट्स माय ड्यूटी। तुम लोग अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं यह हथकड़ी काटने और कमिश्नर ऑफिस जाने का इंतजाम करता हूँ। थैंक यू। We'll be right back.
जीत गया जॉनी, फैंटास्टिक। पावर भी नहीं है। क्या हुआ रे? ढूंढा भाई पर नहीं मिला। चलो चलो ढूंढना चलो। तुम लोग टेररिस्ट हो मैं जानता हूं, और उन दोनों को ढूंढ रहे हो ये भी जानता हूं, लेकिन वो लोग इस वक्त मेरे पास हैं ये तुम नहीं जानते। कम टू द डील, उनके बदले तुम लोग मुझे कितने पैसे दोगे? 50। मैं तो 5 सोच रहा था, ये 50 दे रहा है। ओके डन। वो लोग कहाँ हैं? पहले मुझे पैसे दिखाओ फिर बताऊंगा वो लोग कहाँ हैं। ए 50,000 लेकर आ। 50,000? यू मीन 50,000? पुलिस वाले 10,00,000 देने को तैयार हैं, लेकिन मैं 50,00,000 मांग रहा हूँ। ज्यादा पैसा मांगा तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अच्छा, 10 मिनट के अंदर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो वो लोग कमिश्नर के पास चले जाएंगे विद DVD। जॉनी से मत खेलो। ए गनाता, ए पागल है क्या? ठीक है 15,00,000 देता हूँ। 16,00,000? क्यों? मेरी मर्जी। वो लोग तुम्हारे पास है इसकी गारंटी? देखो अब 17। पर 16 कहा था? भरोसा नहीं किया इसलिए। अबे पागल हो गया क्या? ए 20। पर 20 क्यों? तूने मुझे पागल कहा इसीलिए 20। ये क्या रे, कौवे की तरह घूर रहा है मुझे। 25। यस 25। ठीक है डील ओके चल। अरे मैं तुझ पर भरोसा कैसे करूं भाई? अगर मैं तुझे वहां लेकर गया और तू उन दोनों को मारकर DVD लेकर चला गया तो मेरा क्या होगा भाई? मेरी सेफ्टी की गारंटी तो चाहिए ना भाई। उमर भाई, उन लोगों के मिलते ही टकले को ठोक देंगे। तो चुप कर बे, ये टकलू बहुत चालाक है। हेलो कमिश्नर साहब। यस बोल रहा हूँ। सुबह TV पर जिसकी न्यूज आई थी वो गौतम, मीनाक्षी उर्फ कामाक्षी अभी मेरे पास हैं। आप कौन बोल रहे हैं? वो नहीं बता सकता। अच्छा, उन दोनों को लेकर मेरे ऑफिस में आइए। ऐसे कैसे लेकर आ जाऊं सर? उन दोनों को लेकर मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा, और अगर आपने ये कह दिया कि उन दोनों को आपने पकड़ा है तो 10,00,000 का इनाम तो आपको मिल जाएगा ना? आपको क्या चाहिए? उन दोनों को आपके हवाले करने के साथ इमीडिएटली 10,00,000 मुझे चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे पैसे, लेकिन वो लोग आपके पास ही हैं, इसकी क्या गारंटी है? तुम पर विश्वास कैसे करूं मैं? पिक्चर MMS करता हूं, देख लीजिए। ओके, कहाँ आना बताइए। एक बात और, उन दोनों के साथ साथ कुछ टेररिस्ट भी है, ये भी मैं बताऊंगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। तुम्हें जितना चाहिए मैं दिला दूंगा, और ब्रेवरी अवार्ड के लिए पर्सनली रिकमेंड करूंगा। मतलब भारत रत्न देंगे? भारत रत्न इम्पॉसिबल। एक अर्जुन अवार्ड तो दे ही सकते हैं, इतना रिस्क उठाया है मैंने। कोशिश करूंगा, पहले एड्रेस तो बताओ। ओके SMS करता हूँ, देख लीजिए। जॉनी, एक तीर से 2 निशाना, डबल धमाका। गई हो ना? ये क्या है? ये मेरी दूसरी एड है देना बैंक के लिए। बहुत अच्छी है। जब इस गेटअप में आपको देखेगा तो आपका मंगेतर आपको मना नहीं कर पाएगा। अगर वो तैयार भी हो ना तो मैं उसे शादी नहीं करूंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने मुझे बिना जाने ही मिस्टेक कर दी, और मैं उसे बिना जाने ही मिस्टेक करने वाली थी। अरुण की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया है, वो दिमागी तौर पर बीमार है। My God. Leave it. छी, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। She, it smells. बदबू आ रही है।
अजीब सा लग रहा है मुझे। तो इसे उतार दो ना। और इसे? चलिए बताता हूँ। आपको नहाना है ना? तुम्हारे सामने नहाऊंगी? अरे मैं बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बैठ जाइए। मैं समझ गया। आप सच में बहुत समझदार हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपकी शादी हो गई है क्या? क्या कहा? सॉरी। बकेट निकालने की कोशिश मत करो। तो आप ऐसे शॉकिंग क्वेश्चन मत पूछिए ना। इसमें शॉकिंग क्या है? शादी हुई या नहीं? हो गई है। दो लड़का और एक लड़की है। लड़का 8th में है और लड़की 6th में। और छोटी बेटी केजी में पढ़ रही है। अभी मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है। क्यों, मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? अच्छा, किसी से प्यार करते हो? ये हुआ ना करेक्ट क्वेश्चन। प्यार करता हूँ, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। वो आपको पसंद नहीं करती? मैं उससे प्यार करता हूँ बोलूंगा तब ना। अभी तक नहीं बोला? अब तक तो हम सिर्फ एक दूसरे से मिले हैं। मेरी मीटिंग अब तक उस लेवल पर नहीं पहुँची। उसमें क्या है बोल दो। हिम्मत करके बताना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। वो मान जाएगी क्या? नहीं मानेगी तो उसकी बदनसीबी है। तो क्या मैं उससे कह दूँ? हाँ बिल्कुल कह दो। हेलो, ये क्या, कहाँ खो गए थे? मैं कितनी बार भी सोचूं लेकिन मेरा प्यार कामयाब नहीं होगा। क्या करें, हम दोनों की एक सी सिचुएशन है। आप जिसे पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करती, और मैंने जिसे पसंद किया वो धोखेबाज निकल गया। इसलिए मैं अपनी पसंद छोड़कर पेरेंट्स जहाँ बोल रहे हैं मैं वही शादी करने की सोच रही हूँ। ये आपका फैसला गलत है। अगर आपकी पसंद का कोई आपको मिल गया तो? मिलेगा तो ना। मिल गया तो? मिलेगा तब देख लेंगे। जरूर देख लेना। सच में आपसे प्यार करने वाला आपके गौतम सामने। और मीनाक्षी की खोज अभी भी जारी है। अभी तक वो लोग पकड़ में नहीं आए हैं। बाकी की जानकारी शहर के डीसीपी देंगे। शहर की मशहूर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जरीना को गोली मार दी गई है। इस केस से हमें ये जानकारी मिली है कि जरीना को बहुत बार मीनाक्षी का फोन आया था। जरीना को मार दिया? ओह माय गॉड, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी और मैंने सोचा कि वो कितनी गलत थी मैं। जब तक गौतम और मीनाक्षी हमारी पकड़ में नहीं आते तब तक जरीना के केस को सॉल्व करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। पूरे शहर को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन दोनों के बारे में जानकारी देने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9959977722 2333324444 2334444. हम तीनों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे। स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म पर एक एक बैग लगा देंगे। स्टेशन से बाहर आके सेल फोन से डायल करेंगे। रिंग होने के बाद जो बैग्स में रखे हुए बॉम्ब्स का सर्किट यूनिट होके पूरा स्टेशन ब्लास्ट हो जाएगा। ये लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने जरीना को मार दिया। मैं हमेशा उससे कहती थी इस तरह का रिस्क क्यों लेती है ना। तो जैसी लड़कियां हमेशा खुशी से रहें, इसलिए हम जैसे लोगों को इस तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं। मेरा दोस्त कार्तिक इनकी वजह से मर गया। बेगुनाह लोगों की जान बच जाए इसलिए जरीना ने अपनी जान गंवा दी। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वो अभी तक आया क्यों नहीं है? वो नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। दरवाजा बंद कर दिया उसने। We're moving the dial, do what I want.
हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। वो लोग भाग गए। वो दोनों 10 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले थे, पहुंच गए होंगे ना? ये मैं कैसे जान सकता हूँ? अरे मर गया। उमर भाई, मन कर रहा है इसके मुंह में धनाधन गोलियां ठोक दूं। मारना मत सर। Come on, search. फोन आ गया। डीसीपी, स्पीकर ऑन करो। हेलो, जहाँ तुमने बुलाया था मैं वहाँ आ गया हूँ। अभी तुम कहाँ हो? तुमने बोला था आतंकवादी हैं। आतंकवादी कहाँ हैं यहाँ पर? हेलो सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। मुझे तेरा स्टाइल पसंद आया। ये ले, ये 2 लाख रख ले, इससे कोई बिजनेस करना। सर आप टेररिस्ट नहीं है सर, भगवान है सर। तू बड़ा हैंडसम है, एक फोटो खींचता हूँ। खींच लो सर। इस तरह किसी को धोखा मत देना। ओके सर। ए, गाड़ी रोक। रोको रोको, सुना नहीं क्या? हे भगवान, चलता हूँ सर, बाय सर। चल निकल। हेलो डीसीपी साहब। हाँ बोलो। चाली नोट सप्लाई करने वाला आईएसआई एजेंट जॉनी यहाँ आजाद नगर रोड में घूम रहा है, मैं उसका फोटो आपको एसएमएस करता हूँ, देख लो। क्या रे जॉनी, तेरा ही नाम है? हाँ सर, मेरा ही है सर। नकली नोट? नकली नोटों का धंधा करता है तू? नकली नोट मेरे नहीं है सर, आतंकवादी ने दिया सर। आतंकवादी ने दिया? आतंकवादी नहीं सर। अभी तो तूने बोला ना। मैंने कहा नहीं सर, मुंह से निकल गया सर, मेरा टाइम खराब है सर, क्या करूं सर? चल तेरा टाइम सही करता हूं, चलो इसको लेके। हाँ अब गाड़ी बदलनी है, चलो ठीक है। ए, चुपचाप गाड़ी में बैठो, चलो चल 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 घुस, चल चलो चलो चलो। खयूम को फोन लगा। हाँ कयूम भाई। हाँ कयूम भाई, हम लोग असेंबली के लिए निकल रहे हैं, आप कहाँ हैं? उमर भाई, सिकंदराबाद में सिक्योरिटी बढ़ गई है, सुना है कि यहाँ पर कोई मिनिस्टर आ रहा है। अरे कयूम भाई, सिकंदराबाद नहीं तो नामपल्ली, नामपल्ली नहीं तो काचीकुड़ा, हमें रेलवे स्टेशन से कोई मतलब नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उड़ाना ही हमारा मकसद है। ये डीवीडी लो और हमें छोड़ दो। हम तुम्हें ये दे या ना दे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम हमें मार दोगे। जब से मेरा दोस्त कार्तिक मरा है मैं यही सोच रहा हूँ, क्यों तुम लोग आम और बेगुनाह लोगों को मारते हो? वो बेचारा मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा रहा था और तुमने उसे भी मार दिया। यहाँ पर कितनी शांति है लेकिन तुम लोग धर्म के नाम पर लोगों की जान ले रहे हो। कुछ पागल लोग कहते हैं और तुम लोग उनकी बातों पर इंस्पायर होकर हम बेगुनाह लोगों की जान लेते हो। भाई आगे पुलिस चेकिंग हो रही। भाई कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। तुम लोगों का बचना अब इम्पॉसिबल है। हम दोनों का चेहरा टीवी पर दिखाया गया है, पुलिस हमें पहचान सकती है और साथ में तुमको भी पकड़ेगी। हमें कैसे पकड़ेंगे? तुम दोनों के चेहरे पर एसिड डाल दूंगा, फिर हमें कौन रोकेगा? हम डॉक्टर के बेस में आसानी से निकल जाएंगे, ये ड्रेस और एम्बुलेंस की वजह से हमें कोई नहीं रोकेगा। इस एम्बुलेंस के साथ हम असेंबली में घुस जाएंगे, इस बॉम्ब के साथ पूरी की पूरी असेंबली उड़ा देंगे। इम्पॉसिबल। अल्लाह की इस पाक लड़ाई में हम भी शहीद हो जाएंगे। तुम सब लोग पागल हो गए हो, तुम जो काम कर रहे हो उसे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा और वही अल्लाह आज हमें बचाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
प्लेटफॉर्म पे बम लगाकर 4:30 बजे यही मिलेंगे। सेल फोन से तीनों एक ही साथ ब्लास्ट करेंगे, सबको मार देंगे। चलो Sir, can you play this? यात्रियों कृपया सावधान हो जाइए और प्लेटफॉर्म पर लगे टीवी पर ध्यान से देखिए। ये बांग्लादेश से आए हुए मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। और ये क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। हम तीनों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे। स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म पर एक एक बैग लगा देंगे। स्टेशन से बाहर आके सेल फोन से डायल करेंगे। रिंग होने के बाद जो बैग्स में रखे हुए बम्स का सर्किट यूनिट होके पूरा स्टेशन ब्लास्ट हो जाएगा। ये रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे। इनके बाप की जागीर है क्या? वहाँ सिकंदराबाद में ब्लास्ट होने वाला है और हम कच्चीगुड़ा में सेफ हैं, ये सोचकर हम चुप रहेंगे क्या? क्या बोल रही है? इस बार 50-100 लोगों को नहीं, लाखों को मारेंगे। 100 नहीं, लाखों को मारेंगे कह रहा है। हरामी साले, ये लोग हमें ओपन चैलेंज कर रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? अगर आज ये बच गए तो बहुत बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। क्या करना चाहिए? पुलिस देख लेगी ये समझकर चुप रहना चाहिए? अरे भाई, आपने तो हैदराबाद के पुलिस वालों का पेंट गीला कर दिया। पुलिस वाले डर गए हैं तो आम आदमी क्या कर सकता है, यही उनकी सोच है। क्यों नहीं करेंगे? उनमें हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाएं, फिर हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। समझता क्या अपने आप को? दमे तो एक बार सामने आके दिखा, चिड़ के रख देंगे तेरे को। बाहर निकल। वो लोग इस वक्त आपके बीच में है, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। इधर ही कहा है वो तीनों मादर जात? मिलेंगे तो चाकू भोंक दूंगा। मिल जाएगा काट के रख दूंगा। आज का ये दिन सितंबर 11 बिल्कुल 26 नवंबर की तरह होना चाहिए। अगस्त 25 लुम्बिनी पार गोकुल चाट में इन्होंने 100 लोगों को मारा था। आज का दिन वैसा भयंकर नहीं होना चाहिए। किधर है साले कमीने लोग? आज का दिन, आज मई 21 आतंकवादियों के लिए भय का दिन होना चाहिए। आज हम उन्हें दिखा देंगे कि हमें छेड़ने के बाद क्या अंजाम होता है। उन लोगों की नींद उड़ा दो। आज के इस दिन में उन लोगों की नींद उड़नी चाहिए। उन लोगों का चैन उनकी जिंदगी से छीन लेंगे। अरे कहाँ तुम दबा के छुपे हुए बैठे हैं कमीने लोग? इन्हीं लोगों ने मेरे दोस्त श्रीकांत को मार डाला था, नहीं छोड़ूंगा। आगे देखो, ये देखो ये आतंकवादी है। आगे नहीं आना। इंशाअल्लाह जिहाद हम मारने और मरने के लिए भी तैयार है। साले सुअर की औलाद, जिहाद का मतलब होता पाक युद्ध। वो तू कैसे समझेगा? आम जनता को मारना पाक युद्ध कभी नहीं हो सकता। सुअर के बच्चे,
जिहाद का मतलब क्या होता है मैं तुझे समझाता हूँ। जिहाद का मतलब होता है तुम जैसे लोगों का अंत करना। मारो इसको, मारो, दूसरा आतंकवादी कोल्ड ड्रिंक शॉप में छुपा हुआ है, उसे ढूंढो और उसकी चमड़ी उधेड़ दो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोल्ड ड्रिंक शॉप में छुपा हुआ है वो कमीना, मार दो उसे। मुझे मार दो, मार दो, मुझे मार दो। क्या तुझे छोड़ देंगे क्या? तुम लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? इन लोगों ने हमारी जिंदगी नरक कर दी है, इन लोगों को मार देना चाहिए। इन लोगों ने लुम्बिनी पार्क में भी बम फोड़ा था, लाखों लोग मारे गए थे, आज इनको हम छोड़ेंगे नहीं। मारो, जान से मार दो इसे। जाओ, कहाँ जा रहे हो? वहाँ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, ये जनता का फैसला है। अब एक ही बचा है। अबे बेवकूफ, बॉम्ब नहीं फटेगा, प्लेटफॉर्म पर मोबाइल जैमर एक्टिवेट है। सामने आओगे तो कोई नहीं बचेगा, ये हमारा प्लान भी है। 30 सेकंड में पूरा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट हो जाएगा। अरे मुझे मरना नहीं है, चलो। ये बॉम्ब बहुत पावरफुल है, आधे मिनट में जितना भाग सकोगे भाग लो। अब तो ना ये रेलवे स्टेशन बचेगा और ना ही तुम लोग बच पाओगे। बस अब थोड़ी देर में आपकी ट्रेन आ जाएगी, अब आप खुशी से अपने घर जाकर अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लीजिए। आपकी प्यार का क्या हुआ? वो इतना इजी नहीं है। क्यों? कोई प्यार प्यार करते वक्त ही खत्म हो जाता है, और कोई प्यार शादी से पहले ही, पर मेरा प्यार वहां तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो बताओ। हेलो, बोलो माँ। मैं और तेरे पापा उस श्रीनिवास से तेरी शादी की बात करने जा रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं बता दी तो बुरा लगता ना। कल तक ओके था ना? हाँ। अच्छा आज क्या हुआ? क्योंकि अब मुझे कोई और पसंद आने लग गया है। कैसी बात कर रही हो तुम, इस जन्म में तो तेरी शादी होने से रही। तेरे पसंद की लड़की को खोजना हमारे बस की बात नहीं। मीनाक्षी, शादी को तू खेल समझती है? तू घर आ, तुझे बताती हूँ मैं, तेरे हाथ पैर तोड़ के किसी से भी शादी करवा दूंगी, तब तुझे अकल आएगी, जल्दी आ। आप किससे प्यार करते हैं मैं जान गई हूँ, उसकी तरफ से ओके है। आप किस लड़की की बात कर रही हो? उस लड़की की